एवरीवन, तो इस वाली वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी सीरीज जावा एंड ऊप्स के मॉड्यूल टू ऊप्स का टॉपिक दैट इज नेस्टेड क्लासेस। ठीक है, सो इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नेस्टेड क्लासेस क्या होती है, किस तरीके से नेस्टेड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, इनर क्लासेस क्या होती है, नॉन इनर क्लासेस क्या होती है, ये सब। ठीक है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेस्टेड जैसे अभी तक हमने डीएसए या फिर कुछ करा होगा उसमें हमने पढ़ा है नेस्टेड फॉर लूप्स, नेस्टेड फॉर पढ़े हैं, नेस्टेड इफ पढ़े हैं। तो नेस्टेड का मतलब फॉर के अंदर एक और फॉर, नेस्टेड इफ का मतलब इफ के अंदर एक और इफ। ठीक है, यही तो होता है नेस्टेड का मतलब कि एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। ठीक है, नेस्टेड क्लासेस का मतलब क्या हुआ कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्लास ली है, ये ओ आउटसाइड वाली क्लास है एंड ये आई अंदर वाली क्लास है। ठीक है, अब ना ये जो क्लासेस हैं इनको कहते हैं नेस्टेड क्लासेस। अगर एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास आती है तो इनको कहते हैं नेस्टेड क्लासेस। अब नेस्टेड क्लासेस जो होती है वो दो टाइप की होती है। कैसे, ये जो हमारी आई है, ये जो इनर क्लास है, ये या तो स्टैटिक हो सकती है या तो नॉन स्टैटिक हो सकती है। ठीक है, जैसे हमने वेरिएबल्स पढ़े थे वैसे इस क्लास का भी है, या तो ये स्टैटिक होगी या तो ये नॉन स्टैटिक होगी। अगर ये स्टैटिक क्लास होती है, ये नेस्टेड क्लास स्टैटिक है, मतलब इसके आगे स्टैटिक लगा है, तो इसको कहते हैं हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास। ठीक है, अगर इसके आगे स्टैटिक नहीं लगा तो इसको कहते हैं हम नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास। ठीक है, स्टैटिक लगा है तो स्टैटिक नेस्टेड क्लास, नहीं लगा तो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास। ठीक है, अब जो स्टैटिक क्लास होती है वो किसका पार्ट होती है, वो पार्ट होती है क्लास का, मतलब वो किसी के इनसाइड अंदर नहीं आ रही। बट ये जो नॉन स्टैटिक क्लास है ये किसका पार्ट होती है, ऑब्जेक्ट का। कि यार जब तक मेरा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ना तब तक मेरी ये नेस्टेड क्लास का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के इनसाइड लाए करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए नॉन स्टैटिक क्लास किसका पार्ट होती है, ऑब्जेक्ट का। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस नहीं बनेंगी, इसीलिए नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस को क्या कहते हैं, इनर क्लासेस। ये इनर किसके हैं, आउटसाइड के ऑब्जेक्ट के, मतलब जो आउटर क्लास है उसके ऑब्जेक्ट के इनसाइड लाई कर रही होंगी, तो इसीलिए इनको कहते हैं इनर क्लासेस। ठीक है, अब इनर क्लासेस जो हो सकते हैं वो तीन टाइप की हो सकते हैं। जैसे हमने स्टैटिक वेरिएबल जब पढ़ा था तो हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, वेरिएबल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक एंड इसके बाद हमने एक और वेरिएबल पढ़ा था लोकल। ठीक है, सेम काम यहाँ पे है, स्टैटिक क्लास हमने देख ली, स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्या होती है, इसको कर देते हैं क्रॉस। इसके बाद दो तरीके की क्लासेस नॉन स्टैटिक में, एक तो नॉन स्टैटिक होती है और एक लोकल होती है। इनमें हमने डिफरेंस देखा था, नॉन स्टैटिक जो होती है वो जस्ट इनसाइड क्लास, ठीक है, या फिर इसको हम कह देते हैं पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड जो लोकल क्लास हमने, लोकल मेथड्स हमने, मतलब या फिर लोकल वेरिएबल्स हमने पढ़े थे, वो क्या होते हैं, वो विद इन अ मेथड, मतलब पार्ट ऑफ मेथड। अगर मेथड के अंदर कोई वेरिएबल लाई कर रहे हैं तो उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं, जस्ट क्लास के अंदर लाई कर रहे हैं तो उसको हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे है कि अगर मेरी क्लास नॉन स्टैटिक है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, वो नॉन स्टैटिक है एंड वो ऑब्जेक्ट का पार्ट है तो उसको कहते हैं इनर मेंबर क्लास। ठीक है, हमारी नॉन स्टैटिक क्लास है बट वो मेथड का पार्ट है तो उसको हम कहते हैं लोकल क्लास। ठीक है, एंड थर्ड इसमें एक एक्स्ट्रा केस और आता है, दिस इज एन एक्सेप्शन इन केस ऑफ क्लास, कि हमारी क्लास एक और टाइप की होती है, दैट इज एनोनिमस क्लास। एनोनिमस क्लास मतलब जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं करते, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट जेवीएम क्रिएट करता है, अभी इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। बट एनोनिमस क्लास का मतलब क्या है कि एक ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं करेंगे, जेवीएम क्रिएट करेगा, उसके ऑब्जेक्ट का नाम जेवीएम डिसाइड करेगा, तो वो जो क्लास का ऑब्जेक्ट बना वो हमारे लिए एनोनिमस था। ठीक है, हमें पता नहीं था उसका नाम क्या है। इसके बाद देखते हैं कि हम इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास स्टैटिक नेस्टेड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, तो लॉजिकली सोचो, अगर यहाँ पे स्टैटिक लिखा होता इसका मतलब लेफ्ट में रेफरेंस आएगा, राइट में ऑब्जेक्ट आएगा। रेफरेंस क्या होता, ओ डॉट आई, इसका नाम रखा ओबीजे इक्वल्स टू। अब देखो, मेरे को डायरेक्टली मैं ओ डॉट आई को कॉल कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक है, ये इस ओ का पार्ट है, तो अगर मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, न्यू ओ डॉट आई। ठीक है, स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ये देखो,
स्टैटिक क्लास का बनेगा ओ डॉट आई, ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ओ डॉट आई, क्योंकि ये स्टैटिक है इसीलिए इसको हम डायरेक्टली क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं इनर मेंबर क्लास, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं कैसे बनेगा। सो अगर मेरी ये क्लास है, एक क्लास ये वाली है एंड ये नॉन स्टैटिक रखी है, अगर मेरे को इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है एंड ये नॉन स्टैटिक है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब मेरी आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, ओ डॉट आई ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ओ, न्यू ओ से क्या हुआ मेरी आउटर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इसके बाद मेरे को क्या करना है डॉट न्यू आई, मतलब आउटर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना एंड उसपे मैंने क्या कॉल कर दिया, क्या आउटर वाली क्लास पे इनर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक बार इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाया है, इस तरीके से ओ डॉट आई ओबीजे इक्वल टू न्यू ओ डॉट न्यू आई। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं लोकल क्लास, लोकल क्लास के ऑब्जेक्ट्स ना सिमिलर से बनते हैं इस टाइप में जैसे इसका बन रहा है, बट इसमें एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि ना लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट हम कहीं भी नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये क्लास है आउटर एंड यहाँ पर मेरा एक मेथड है फन, अगर इसके अंदर मैं क्लास इनर बनाता हूं, ठीक है, तो अब इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो मैं सिर्फ और सिर्फ इस फन क्लास के अंदर ही बना सकता हूं, मतलब इस फन क्लास के बाहर या कहीं और क्लास में मैं इस इनर क्लास का, इस लोकल इनर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। एंड ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, एग्जैक्टली सेम इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं आगे लास्ट एनोनिमस क्लास। एनोनिमस क्लास है, मैंने बताया था कि एनोनिमस क्लास में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते, ऑब्जेक्ट हमारा जो जेवीएम है वो डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा एंड कहाँ पे बनेगा। सो देखो ये होता है एरेज, 2D एरे को सॉर्ट करने का मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, ये 2D एरे पास करते हैं एंड ये कंपैरेटर पास करते हैं। कंपैरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरेटर हमारे इंटरफेस होते हैं एंड हमने इंटरफेस में देखा था कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, बट मैं यहाँ इंटरफेस के नाम के साथ न्यू लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो मैंने न्यू लिख दिया, इसका मतलब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इंटरफेस को तो मैं इंस्टेंशिएट करा ही नहीं सकता। ठीक है, तो इंटरफेस इंस्टेंशिएट हो रहा है बट किस केस में, जब मैंने उसका जो मेथड था जो मेरे को ओवरराइड करना था वो ओवरराइड मैं कर चुका हूँ। ठीक है, एंड इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनेगा, वो ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, जेवीएम, उस ऑब्जेक्ट का नाम हमारे लिए एनोनिमस है, जेवीएम बैकएंड पे बनाएगा एंड बैकएंड पे उसको डिलीट कर देगा, उस ऑब्जेक्ट का नाम हमें पता ही नहीं चला, इसीलिए इस क्लास को क्या कहते हैं, एनोनिमस क्लास। ठीक है, सो ये था नेस्टेड क्लासेस के बारे में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।